भक्ति वशतः परमाति देवं त्वां स्वीय कलमश गणोर्मथिनाय देवा सुदोदि कैर विनयाति महाभिषेका।
वजन
नहीं किया है वो आपसे करने के लिए आ जाएंगे। देखो तुम ओम नमो गुरुवे नमः 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 ओम
होती है तो उनके परिवार से ही आप प्रस्थापित करेंगे, अन्यथा आप घबराना नहीं, हम उनके परिवार के हैं। जितने भी जिले में प्रभु स्थापित होंगे आप लोग लाएंगे और मुनि महाराज के हाथ में देंगे, मुनि महाराज आपकी तरफ से वह जिले स्थापित करेंगे, आप विकल्प नहीं लेना। तो पंडित जी माता बीच नाम चाहिए एक मेरे नवीन जैन ज्योति कालोनी और कृष्णा जैन कृष्णा नगर राजीव जैन लक्ष्मी चंदा विभाग जीवन जैन राहुल जैन संजय जैन चंदा विभाग दीपन अजय जैन चावल सबने अरहंत भगवान स्थापित किए, उन प्रतिमाओं पर लिखा है अरहंत जन्म। लेकिन अरहंत जन्म का प्रतिलक्षण होता है कि वह अष्ट प्रातिहारे और मंगल द्रव्य से सुसज्जित होते हैं, बिना उसके अरहंत नहीं होते, चाहे वह सामान्य के लिए हो चाहे वह तीर्थंकर के लिए हो, अष्ट प्रातिहारे अरहंत चतुष्टय और मंगल द्रव्य सभी के साथ होते हैं। तो जब माता बहनों के नाम नहीं आ पाए श्री जी ने प्रभु विराजमान करने में, वे माता बहने आगे आ जाए, शेष सभी लोग उनका चयन पंडित जी कर रहे हैं। पंडित जी निकल गए, औषधि भी नहीं दी है फिर भी स्वस्थ रहे, यह है सब भावना।
अपने भावों के साथ में दोनों अंगूठे को निकालेंगे और जब नमः बोलेंगे आपको जन्म जन्म डुबोना है, भगवान को नमस्तु करना है। ओम हराम नमो अरिहंत्रम हराम अंगुष्टाभ्याम नमः। बोलो अरहंत परमेश्वर भगवान की। कटोरी को नीचे रख दे, नीचे रख दे। ए उंगली कब उठती है? ए उंगली कब उठती है सौधर्म की? ये उंगली कब उठती है? जब क्रोध आता है तभी उठती ना। तो भगवान हमारे जीवन में क्रोध का प्रभाव ना हो, क्रोध हट जाए जीवन से, इस भावना से तर्जनी उंगली। ओम हरि मडमो सुद्रम तर्जनी अभ्याम नमः। बोलो सत्य परमेश्वर भगवान की स्वाहा। ओम नमो रते रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो रते रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो हुम फट स्वाहा। आपके पास में केसर है, केसर इस उंगली में लेना है, देखो यहाँ पर, और अरिहंत परमेश्वर का छोटा आ यहाँ लिखना है, यहाँ लिखो ओम भरिमह अरहम अस्याम मम श्रो रक्ष रक्ष स्वाहा। हृदय पर सिद्ध परमेश्वर का सी सी लिखे यहाँ पर हृदय पर। ओम अस्याम मम पक्ष पक्ष रक्ष रक्ष स्वाहा। आचार्य परमेश्वर का बड़ा आ नेत्रों के पलकों पर चश्मा उतार के, नहीं तो चश्मा पे। उपाध्याय परमेश्वर का ओ कंठ पर। ओम अस्याम मम कंठम रक्ष रक्ष स्वाहा। साधु परमेश्वर के बड़ा सा ललाट पर साधु परमेश्वर स्वाहा। अब यहां पर इंद्र प्रतिष्ठा कर रहे हैं, धोती का स्पर्श करें सभी, धोती का स्पर्श, हाँ धोती का स्पर्श कीजिए। इति अधो वस्त्रम अवधारयामि, दुपट्टे का स्पर्श करें। इति दुपूलम, दुपट्टे का स्पर्श। इति दुपूलम अवधारयामि, माला पहने माला। इति रत्नमालम अवधारयामि, मुकुट बांधिए सभी, मुकुट सबके पास पहुंच गए हैं। इति मुकुटम अवधारयामि, चैन चैन पहने हो सोने की, कोई सी भी चैन केसर से बनाए। इति कंठावरणम अवधारयामि, कानों में कुंडल केसर से बना ले। इति कुंडल द्वय अवधारयामि, बाजूबंद केसर से बनाए। इति केयूरम अवधारयामि, कलावा रक्षा सूत्र का स्पर्श करें, रक्षा सूत्र का। इति कंकणम अवधारयामि, अंगूठी का स्पर्श करें। इति रत्नमुद्रिकाम अवधारयामि, तगड़ी कुर्मा पहने, तगड़ी पहने हो कि नहीं, तगड़ी पहनना चाहिए। इंद्र भी पहनते हैं, 16 श्रृंगार सहित होते हैं, केसर से बनाओ। इति कटिमेखलाम अवधारयामि, पुष्प ले लें। इति अरसत्ता चरोपात साधु समुद्रवतम समान भवतु स्वाहा। देखिए जब तक अपना अनुष्ठान चलेगा रात्रि भोजन नहीं करना, समझ लेना पहले। संपूर्ण जमी करने का त्याग रहेगा, कोई भी छूट नहीं होगी। बाजार की वस्तु का त्याग रहेगा, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जितने भी अभक्ष पदार्थ हैं इन सब का त्याग रहेगा। बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान, वहाँ भंडारी जी कौन है, पान का त्याग रहेगा 3 दिन तक है, ठीक है ना। इन सभी का जो अभक्ष वस्तुएं हैं उन सभी का त्याग रहेगा, और शुद्ध पानी का उपयोग करना है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जब तक अपना अनुष्ठान चलेगा 28 से 30 तक, इतना हमको नियमों का पालन करना है। अब केवल जिनका नाम बुलाएंगे पहले यहाँ खड़े होंगे, हमारे सहोदर को सचिन दाने सामने पहुंच जाए, सहोदर को सचिन। सहयोगम कुरुत कुरुत हो।
संजय जी की तरफ से कौन करेंगे? गौतम भुरे की तरफ से करेंगे। शुद्ध वस्त्र में ही कलश स्थापित हो गए, मंडप की शुद्धि हो चुकी है, प्रतिष्ठा हो चुकी है। आगे ना संजय जी के हो गए ना, नीरज जी आगे क्या पुष्प से कौन है? नीरज जी नीरज जी ने पुलिस हाँ आ जाए आपको एडीजी कलश दीजिए, कलश लेके जाओ यहाँ से। अरे कलश शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे शुभ लग्ने कार्यस्य पंचमी महामंडल निर्विघ्न कार्यम समकामा नवरत्न गंधर्व शोभितं मंगल कलश स्थापन करोमि स्वयं इनको कलावा देते प्रिंटिंग कलावा जाएंगे अजय जैन सीए यमुना बिहार। देवादिदेवी कजराक्षी अभिनंदन नाथ भगवान की।
परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षुण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, साक्षात विराजमान मुनि श्री ज्ञानानंद जी सहिमानंद जी महाराज की, जिनवाड़ी माता की, अहिंसा विश्व धर्म की, पंचमेरु महामंडल विधान की, जिन्होंने परम पूज्य मुनि श्री स्वाद शिवाजी महाराज की समस्त मुनि संग की। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान पंचमेव महामंडल विधान करने के लिए तत्पर आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव, संख्या में एक का महत्व होता है लेकिन वो गणना में नहीं आता। संख्या जब भी प्रारंभ होती है तो दो से मानी जाती है, एक तो एक है अकेला है, इसलिए एकत्व भावना की विशेषता है। लेकिन जब संख्या होती है तो दो से मानी जाती है, गण जो है तीन से माना जाता है। और जब वो संख्या बढ़ती है यूं तो प्रत्येक अंक की अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन फिर भी जब पांच की चर्चा होती है तो पांच के बाद में बहुत कुछ बदल जाता है। ये भैया को बाहर करो, जूते बाहर निकाल दे भैया, बाहर उतर के आओ। सुनो आ गए आपके पांच की संख्या का महत्व ये अलग है। जैन शासन में सबसे पहले बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो वह पंच परमेष्ठी का नाम सिखाया जाता है। नमो यत्ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोये सप्तसाम, ये पांच के माध्यम से ही शुरुआत होती है, पंच परमेष्ठी का नाम लिया जाता है। जब आगे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पांच सिद्धांत में बताया गया त्रिलोक सार आदि ग्रंथ में कि पांच पैताले होते हैं, यानी 45 लाख विस्तार वाले तीन लोक में पांच स्थान होते हैं। अधोलोक में नरक का पहला पटल, मध्य लोक में ढाई द्वीप, ऊर्ध लोक में सौधर स्वर्ग का विमान और ऊंचाइयों को छूते हुए सिद्ध क्षेत्र और सिद्धालय। ये पांच 45 लाख के विस्तार वाले होते हैं, शेष और कोई नहीं। और इन पांच की संख्या जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पांच मेरु तक आती है। ये पांच मेरु केवल और केवल ढाई द्वीप में, यानी हम सबका सौभाग्य कि इस मनुष्य लोक में है। पर्वत है, नदियां हैं, भोग भूमि है और अंत में कर्म भूमि भी ढाई द्वीप के बाहर मिल जाएगी। लेकिन ये ढाई द्वीप में विराजमान पंचमेरु कहीं भी आपको नहीं दिखाई देंगे। ये पंचमेरु बीच में सुदर्शन मेरु 1,40,000 योजन का ऊंचाई वाला है, जिसमें 99 लाख ऊपर है और 1,000 योजन नीचे।
99,000 ऊपर है और 1,000 नीचे उसकी नींव है, और 40 योजन की ऊपर चूली का है। ये जो आप लोग देख रहे हो, आज हम लोग आपको प्रवचन के माध्यम से केवल इस बात को प्रबोध करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुनोगे और सुनकर घर चले जाओ, लेकिन जब यहां विधान करने बैठोगे तो उपयोग लगना चाहिए, भाव लगना चाहिए, मन की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। इस बात पर विकल्प नहीं लेना, मेरे आगे कौन, मेरे पीछे कौन, मेरी सामग्री ज्यादा क्यों, अच्छा ये तो कोई कहते हैं, मेरी सामग्री कम क्यों, दूसरे की ज्यादा क्यों। अरे राशि दी होगी, अपने लिए दी होगी, हमने भी तो विधान में बैठे हैं, ये सब विकल्प छोड़ देना। लेकिन अपने इस विधान को करते समय ये भावना बनाना, भले ही हमसे अर्घ यहां चढ़वाए या ना चढ़वाए, लेकिन हम थाली में कोई अर्घ बिना उपयोग के ना चढ़ाए। और वह उपयोग कब लगेगा, जब आप इस बात को समझ लोगे, यहां देखकर इस बात को जान लोगे कि आखिर ये ढाई द्वीप है क्या और ये पंच मेरु क्या है। सबसे बीच में तीन लोक की नाभि की तरह इस सुदर्शन मेरु है, जिसकी अभी हमने ऊंचाई को जाना, और इस सुदर्शन मेरु में जो ऊपर सबसे आपको जहां चार भगवान विराजमान दिख रहे हैं, वह है इसकी चूलिका जो 40 योजन की होती है। चूलिका यानी शिखर की तरह, मुकुट की तरह, वह 1,00,000 बेकार है यदि 40 योजन ना हो। जैसे राजा के सर पर मुकुट होता है, दूल्हे के सर पर कलकी होती है, ऐसे ही मंदिर पर शिखर, ध्वजा और चूलिका होती है। और उन पर चूलिका पर ये चार भगवान क्यों विराजमान किए, क्योंकि ये चारों भगवान पांडव वन में अंत में ये चार वन की चार कटनियां हैं। सबसे नीचे भद्रसाल वन, फिर सोमनस वन, फिर नंदन वन और अंत में पांडुक वन। उस पांडुक वन में चार भगवान चार जनाले के रूप में स्थापित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीच में सिद्धशिला की आकृति क्यों बना दी, जबकि सिद्धालय तो बहुत ऊपर है, 7 राज्यों के ऊपर है। जहां पर पांडुक शिला होती है, पांडुक कम्बला होती है, रक्त शिला होती है, रक्त कम्बला शिला होती है, वो इस पांडुक वन में, वहां पर उन जिनेंद्र प्रभु का जो जन्म लेते हैं, जन्म कल्याण मनाते हैं, वो यहाँ यहाँ पर जहां जहां पर श्री जिनेंद्र प्रभु विराजमान है, वहां वहां पर पांचों मेरुओं पर अपने अपने क्षेत्र के जन्मे तीर्थंकरों का सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है। और इन्हीं पांडुक शिला के जो बने हैं चंद्र आकार, ये शिला ऐसी ही वहां पर स्थापित है, जिसके दोनों तरफ पीठ है, जिसपे एक तरफ सौधर्म इंद्र बैठते हैं और एक तरफ ईशान इंद्र बैठते हैं। ये पंच मेरु की रचना, एक मेरु सबसे बीच में जो नाभिगिरी की तरह है, नाभि की तरह है, वह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन और उससे दुगना विस्तार लवण समुद्र का, यानी चूड़ी के आकार का जब समुद्र द्वीप चलेंगे तो उसमें अब जो लवण समुद्र है वो इधर भी 2,00,000 का है और इधर भी 2,00,000 का है। उसको घेरते हुए धात की खंड, जिसमें 2 सुमेरु पर्वत, एक तरफ विजय और एक तरफ अचल मेरु विराजमान, और वह धात की खंड को घेरते हुए, धात की खंड का विस्तार दुगना हो गया, यानी 4,00,000 योजन इधर और 4,00,000 योजन इधर, और उसको घेरते हुए कौन सा समुद्र आएगा, कालोदधि। उस कालोदधि समुद्र का विस्तार हो गया 8,00,000 योजन और 8,00,000 योजन। उसको घेरते हुए पुष्करवर द्वीप, उस पुष्करवर द्वीप का विभाजन करने वाला बीच में होता है मानुषोत्तर पर्वत। वह मानुषोत्तर पर्वत
बीच में डिवीजन करता है जिससे पुष्कर व द्वीप के बराबर बराबर दो हिस्से हो जाते हैं, यानी 8 लाख योजन अंदर और 8 लाख योजन बाहर। अब जो मानव शुद्ध पर्वत है वो है आपकी लक्ष्मण रेखा। जैसे लक्ष्मण रेखा को सीता ने पार करने की परमिशन नहीं थी, ऐसे ही मनुष्यों को उस मानुषोत्तर पर्वत को पार करने की परमिशन नहीं है। कोई देव भी आ जाए और उठाकर ले जाना चाहे तो भी अपनी शक्ति से वह किसी मनुष्य को शरीर धारण करते समय नहीं ले जा सकता। यदि उसका शरीर छूट जाए तो उसको ले जाया जा सकता है। उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर जो हिस्सा है उसको कहते हैं पुष्करा द्वीप का हिस्सा 8 लाख और 8 लाख योजन। उसमें है हमारे एक में मंदिर मेरु द्योतमानी, ऐसे 5 मेरु ये 2.5 द्वीप में विराजमान है। अब इसे 2.5 द्वीप की रचना कितनी हो गई, अब सबको जोड़ दो, 1 लाख 2 दो 4 5 लाख, फिर उसके बाद 4 और 4 8 और 8 और 5 और 13 और फिर उसके बाद 13 और 16 29 और 29 इस तरह से यदि हम डायमीटर के रूप में चर्चा करें, एक छोर से दूसरे छोर तक की चर्चा करें तो 45 लाख योजन का ये 2.5 द्वीप होता है। अब इस 2.5 द्वीप में 458 अकृत्रिम जिनाले कुछ कम विराजमान है। उन अकृत्रिम जिनालयों की रचना जब 2.5 द्वीप विदान करोगे तब उसमें समझे, लेकिन अभी इन 5 मेरु में 4 कटनी 4 वन की हैं और उन चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक जिन मंदिर है जो अकृत्रिम जिनाले है जिसकी किसी ने रचना नहीं की, ऐसे इन 5 मेरों में एक एक में 16 16 अकृत्रिम जनाले विराजमान है और 16 × 5 = 80। पंजाबी में अपने को कहते हैं 80 कहते हैं। यहां एक बात कह रही है जनाले और किसी के लिए 80 हमारे हैं साढ़े हैं है? 80 इन पूजा की पूजा करें, इन 80 जनालयों की पूजा करें। इन 80 जनालयों की पूजा करने वाला व्यक्ति असली में एक दिन उन 80 जनालयों की पूजा करने लायक बन जाएगा। कौन जाता है? या तो मनुष्य जा सकता है जो विद्याधर की शक्ति धारण करे, अथवा वह देव जाते हैं या रिद्धिधारी मुनिराज जाते हैं जो इन अकृत्रिम जनालयों की वंदना कर सकते। अभी हम ना देव हैं, ना चारण रिद्धिधारी मुनिराज है और ना ही विद्याधर मनुष्य, तो जा नहीं सकते। इसीलिए यहां पर आप वह सौभाग्य कृत्रिम रचना के माध्यम से कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले पंडित जी पूछ रहे थे कि क्या ली डायमंड में पहले कभी विधान हुआ, तो सुखमाल जी ने कहा नहीं हुआ, यहां पंचमेरी विधान नहीं हुआ। फिर पूछा दूसरे सुकुमार जी से, है ना, बोले जो यमुना विहार के अध्यक्ष, बोले आपने कभी देखा क्या कि आपके नगर में पंचमेरु विधान हुआ, तो बोले नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर मौजपुर के लोग हैं, ज्योति नगर के लोग हैं, ज्योति कॉलोनी के लोग हैं, बल्बी नगर के शायद नहीं है कोई, और कहाँ के लोग हैं, अशोक नगर के लोग हैं, और यहां यहां से लोग यहां उपस्थित हैं। अब ये बताओ आपने कभी अपने नगर में इस विधान को किया क्या? नहीं किया। कृष्णा नगर से लोग हैं, प्रीत विहार से लोग हैं, शांति वाला राजगढ़ से लोग हैं, सब लोगों ने ये विधान नहीं किया। अब कहने का तात्पर्य कि आप अब जिस विधान में सम्मिलित हो रहे हो आपने कभी नहीं किया,
और यदि कभी बोले मन की किया भी होगा तो जिस विधान को आप इस बार करने जा रहे हो तो कदापि नहीं किया होगा, क्योंकि ये पहली बार प्रकाशित होकर पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित यहाँ पर आपके हाथ में पहुंच रहा है। ये ली डायमंड बैंकेट हॉल, ये वास्तव में डायमंड है। क्यों है? नाम से नहीं, डायमंड सबसे यूनिक होता है, प्रेशियस होता है, और उसमें जब भी कोई काम होता है तो वो हटकर होता है। धर्म जागृति संस्थान शाहरा जोन ने जब पहले यहां पर विधान कराए तब एक बार शायद नंदीश्वर विधान वो नंदीश्वर विधान आसपास कहीं देखने को नहीं मिला। जब पहली बार शायद हमने नंदीश्वर विधान ही इसमें कराया था तो सुकुमार जी तो गदगद हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे कि महाराज जी आपने इस बैंकेट हॉल में 52 जिनाले जिनेंद्र प्रभु विराजमान करा दिया, हमसे बड़ा इससे सौभाग्य क्या। और उसके बाद चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला, 3 दिन का यहीं पर आयोजन हुआ, 4 दिन का। और इसके बाद जब 52 जनाले की बात रही तब इतने खुश थे, उसके बाद एक साल बाद यहाँ पर सहस्त्रनाम महार्चना की, दोनों महाराज जी का यहाँ पर सहस्त्रनाम विधान सहस्त्रनाम व्रत पूर्ण हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में वो सहस्त्रनाम महार्चना हुई, जिसमें पहली बार आदिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली कैलाश पर्वत की रचना की गई। तब कितने आए थे सुकुमार जी? 72 जिनेंद्र प्रभु यहाँ पर विराजमान हुए। मन गदगद हुआ कि एक साथ 72 भगवानों का अभिषेक पूजन और अभिनंदन यहाँ हुआ। और अब की बार वह भी पहली बार हुआ, नंदीश्वर भी पहली बार हुआ, समोष कैलाश पर्वत की रचना करके सहस्त्रनाम विधान भी पहली बार हुआ, और अब ये पंचमेरु विधान भी 20 और 21 जिनेंद्र प्रभु के माध्यम से यहाँ संपन्न हो रहा है, ये भी पहली बार। जो अभी अप्रतिष्ठित है लेकिन भविष्य में प्रतिष्ठित हो सकते हैं, ऐसे अभी तो 80 जिनेंद्र प्रभु विराजमान है इसमें, तो ये तो अलग है मानो भाव। अच्छा, 4-4 गजदंत के लिए तो 100 जिनेंद्र प्रभु अभी अप्रतिष्ठित रूप से इसमें विराजमान है। मानो भाव, जब व्यक्ति का पुण्य आता है, भाग्य जगता है, पुरुषार्थ करता है, उसको सफलता गारंटीड मिलती है। धर्म जागृति संस्थान जिसने ये आयोजन किया, यूं तो पूज्य गुरुदेव ने धर्म जागृति संस्थान की स्थापना 1999 में फिरोजाबाद से की थी, लेकिन जहां जहां गुरु चरण पढ़ते चले गए वहां वहां धर्म की जागृति होती गई, और उसमें दिल्ली प्रदेश की स्थापना हुई, जिसके जो अध्यक्ष हैं वह आपके इस विधान में कुबेर बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, पंकज जी, वह भी अपनी कार्यशैली से धर्म की जागृति कर रहे हैं। और जमुना पार के शाहदरा में जो सन 2018 से गठित हुआ, उसका संचालन श्रीमान मुकेश जी जैन अध्यक्षता के रूप में इसका बड़े ही गौरवशाली तरीके से संचालन कर रहे हैं। उनकी टीम में सभी सदस्य कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। धर्म की प्रभावना करना ही इस संस्था का लक्ष्य है। कोई पद से युक्त है तब भी काम कर रहा है, कोई बिना पद के भी काम कर रहा है, और बहुत सारे लोग संस्था के बाहर रहकर भी इस संस्था का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। मानो भाव, इस विधान में आप लोगों ने जो अपने चंचला लक्ष्मी परिणामों का चंचलपना छोड़कर उसको अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, वह निश्चित ही सराहनीय है। पूज्य मुनिराज का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आप लोग अपने धर्म ध्यान की वृद्धि करते रहे, पंडित जी ने जिन जिन नियमों को आपको दिलाया है उसका पालन करते रहे, क्योंकि अतिशय क्षेत्र में नहीं होते, अतिशय केवल अतिशय क्षेत्रों में नहीं होते, वह अतिशय तो यहाँ भी हो सकते हैं यदि आप चाहो तो। आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है, शुद्धि का ध्यान रखें,
जो आपने नियम लिए हैं उसका परिपालन करें और 3 दिन भक्ति करके देखें, आपके जीवन में भी चमत्कार गारंटेड होगा। ये मैं नहीं, ये आगम वाणी है। जो जिन्हें प्रभु की भक्ति सच्चे मन से करता है उसके जीवन में निश्चित निश्चित चमत्कार होता है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप लोग सुबह घट यात्रा में आए, भगवान की रथ यात्रा लेकर लगभग 1 किलोमीटर का तो रास्ता हो गई। उस 1 किलोमीटर में यदि किसी को पसीना आया हो तो बताओ। एक गर्मी का महीना अप्रैल का एंड चल रहा है और उसमें आप लोगों के लिए पूरे बादल छा गए, किसी को कोई परेशानी नहीं। माता बहने पैदल चल के आई, 20 जिनेंद्र प्रभु मस्तक पर रखकर सब लोग इंद्र लेकर आए रथ यात्रा में, रथ श्री जिनेंद्र प्रभु लेकर आए, लेकिन किसी को पसीना नहीं आया, किसी को उफ नहीं हुई, किसी को तकलीफ नहीं हुई। सब लोग बड़े ही आनंद के साथ ठंडी ठंडी बौछार के साथ इंतजार भी किया, तब भी पसीना नहीं छूटा। सब कहे ध्वजारोहण करता है सच्चे। कल इतना ही नहीं, आज हमने आपको बताया था कि भगवान को विराजमान करना था, नगर भ्रमण होना था, तो कहीं गंदगी शेष ना रह जाए, इसलिए इंद्रों ने कल वायु के स्वाद द्वारा पहले पवन तेज चलाई, पूरी गंदगी धूल मिट्टी बुहारी करके साफ कर दी और उसके बाद बारिश करके पहुंचा लगा दिया। तो बोले हमारे भगवान निकलेंगे तो वह कैसे गंदी सड़क में, साफ सुथरा, जैसे आप घर पे मेहमानों को बुलाते हो ऐसे इंद्रों ने स्वागत किया। अब ये श्रद्धा का ही तो प्रभाव है। जब मुकेश जी आए सुखमाल जी से चर्चा करने, बोले विधान करने का भाव है, बोले पूछना जी कोई बात ही नहीं, बिल्कुल तैयार है। हाँ बोले 28 29 30 तो शायद बुक थी, तो बोले महाराज जी ने कहा है कि संडे तो चाहिए ही चाहिए। बोले दिल्ली वाले हैं, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, इन्होंने बुकिंग को ऊपर नीचे किया और ये खाली करके उस 28 29 30 के लिए, बोले हमारे बैंकेट हॉल में जिनेंद्र प्रभु आ रहे हैं, इससे बढ़कर हमारे और सौभाग्य के आगे कर सकते हैं। हमेशा सहयोग रहता है। आप सब लोग निरंतर धर्म धन की वृद्धि करें, पुण्य की वृद्धि करें। प्रवचन का समय तो अभी ज्यादा नहीं है, वैसे हमें दिया भी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपको थोड़ा सा शिक्षा क्लास दी है। संबोधन तो एक वाक्य भी बहुत है, अपने परिणाम शुद्ध कीजिए, बाकी लंबा चौड़ा विस्तार तो सब इसी का है। तो आप लोग भगवान की भक्ति करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ, आज केवल एक पूजा होनी है तो इसलिए आकुल व्याकुल ना हो, समय पर आपको छोड़ दिया जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज की, मुनि श्री ज्ञानानंद जी सेवानंद जी महाराज की पंचमेव महा। आप लोगों ने सब काम कर दिया, सब स्वार्थ का संसार है। आपने मांडला सजाया, श्री जी को लाए भैया, सब लोगों ने स्वागत, अध्यक्ष ने, अनिल जी ने सबको टोपी मतलब पगड़ी पहनाई। कहा है अनिल जी? हाँ बोले मैं तो खुद ही टोपी पहना। इन्होंने सबका स्वागत किया, तिलक लगाया, आपने महाराज जी का भी पात्र क्षरण किया, उनको भी शास्त्र भेंट किए, लेकिन जब तक विधानाचार्य नहीं होंगे तब तक आप विधान कैसे करोगे, क्रिया कैसे करोगे? तो यहाँ पर बड़े ही सरल स्वभावी वाणी भूषण प्रतिष्ठा रत्नाकर पंडित श्री मनोज जी शास्त्री आहार जी से यहाँ उपस्थित हैं। पहले उनको विधिवत रूप से जिम्मेदारी सौंपे, भैया आप लोग आप इस विधान को निर्विघ्न कराओ, विधि विधान से कराओ, हम लोगों को पूर्ण क्रिया के साथ विधान संपन्न कराओ, ये जिम्मेदारी सौंपते हुए आनंद जी आगे आ जाए, कमेटी के सदस्य आ जाए, सुखमाल जी आ जाए, पंकज भैया आ जाए, सुबोध जी और संजय भैया। खुशी
पे तुम्हें हर सुख मिले है बस यही दुआ मुझे का मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदा देव जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। देवड़ पंच परमेश्वरी भगवान की, देवड़ आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव श्री बसुनंदी जी महाराज की, पंचमेव महामंडल विधान की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज की। महानुभाव, इस धरती पर कुछ न कुछ तो है, जहां पर ये बैंक्वेट हॉल बना है इस धरती में ऊर्जा तो है। जहां भगवान के पादमूल यहां आ जाएं और एक नहीं तीन तीन विधान इतने बड़े बड़े विधान हो जाएं तो इस धरती पर ऊर्जा तो है, थोड़ी बहुत नहीं है। और हमारे सुखमाल जी का तो पुण्य बहुत ही ज्यादा है कि यहाँ साधु भी पंच परमेश्वरी के रूप में यहाँ साधु भी विराजमान है, भगवान भी विराजमान है और शास्त्र विभाग देव शास्त्र गुरु तीनों के तीनों यहाँ आ गए हैं। और इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है आप लोग। आप सभी बड़े मनयों से पंचमेव विधान करें, भक्ति भाव के साथ करें, ये न देखें कि भूख लगी है कि हम ये काम पे जाना है, सब छोड़ देना, सारे काम हमारे इनके ही द्वारा हो रहे हैं। जब ये नहीं है तो काम कहां से होंगे। धर्म से आगे कुछ नहीं है, पुण्य से आगे कुछ नहीं है, पुण्य है तो सब कुछ है, पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े मनोयोग से अपना मन लगा करके पूजा करें और जितने भी पात्र बने हैं उन सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। ओम नमो शिवाय। तो मिलने का मौका मिलेगा और उस गुरु भक्ति में ठीक सवा 6 बजे तक आपको कल आ जाना है। तो जिसको मालूम हो गया बहुत अच्छी बात, जो अपने नहीं जान पाए उन तक ये बात सूचना पहुंचा देना कि कल सभी को अपने साथ मोबाइल लाना है। रमो का याते हम सब मिल पड़े रमो कारणों बार नौ बार रमो का श्रीमूल संकसुर सांसुक कई दोहितम
Oh,
कुल के अंदर है भगवान। कहां पर, कहां पर है? जो भजन बोला है, क्या बोला है? फूल कमल का फूल, फूल के अंदर है महावीर। चारों ओर सरोवर बहता है। कहां पर है, कहां पर है? हर महीने जाते होंगे, दो महीने में जाते होंगे, तीन महीने में, कहां पर है बोलो ना अच्छे से, कॉन्फिडेंस से। जम्मू दी हस्तिनापुर में जो पहला मंदिर है ना, है ही ना पहला मंदिर, हृदय में तो है ही। जो जम्मू देव के हस्तिनापुर वर्तमान में सहित अनंतांश परमिष्टि पे हम कामवान बिंदु सुना यह पुष्पम प्राप्ति। बोलिए महावीर भगवान की। उठूटी नैया तेज के धार, मुश्किल में है ये पतवार, हरने सारे जग की भी फिर आ जाओ क्या चढ़ाना है, क्यों चढ़ाते हैं? अभी नीचे पहुंचोगे तो है? और नीचे पहुंचोगे तो भूख लगाएगी। पास क्यों पहुंच रहे हैं? भूख नहीं लग रही है। यहाँ क्या बोल रहे हैं छदारो, भूख क्यों लगती है? किस कर्म की वजह से लगती है? भूख लगती है तो भावना ये भाना चाहिए कि हे भगवान, आपने उस भूख पर विजय प्राप्त कर ली है, वह कब समय आए कि हमारी भूख शांत हो जाए, इस भावना से क्या चढ़ाएंगे? क्योंकि आप लोग हमारी पूजन में लिखा है कि नाचत ताल मृदंग बजाए, तभी ही हमारी पूजन सार्थक है। करताल विषय करताल धरे, जो घर से हाथ लाए हो वो ताली बजाना, और जो नहीं लाए तो पड़ोसी। श्री परिणाम के तुम चरणों में भी नहीं आए, आत्मविश्वास। वर्तमान मन सहित ग्रंथ मृष्टि महामोक्षम प्राप्ते परम निर्भवामते।
विद्यमान श्री विशद शंकर ओम महर्षि देव सर्वमान वंशति जगन प्रविष्टि भ्यो वरकन्न पपामते आइएगा खड़े हो सोना चांदी खजाना हमें तो प्रभु आप खुद you
वरुण भगवती आठ द्रव माई अर्व बनाई दान जिवरो समनी असी चेता जन में विभु वरुण भगवती यह अलग कियो न जिहे सभी दुई पंचाय जन और प्रथमा विभु वरुण भगवती हरंदरन समाहरे धन विभु वरुण भगवती आठ द्रव रे धार उत्तम संवत्त मिले सुवर्ण के तन बनाए सुजि आठों द्रव मिलाए गुरु पंचम सुख नाए पूजे जल चंदन अक्षत फूल चरवद पे नमः अर्घन पामति जल गंध अक्षत पुष्प चरवद दीप धूप चरण से पुण्य मार्ग पामति भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हो मेरा सारा जब दर्द हर पहले अर्घ भेंटने आया हो जन सामन चंदन से खुशबू अक्षत पुष्प चरोल लिया दीप जला कर धूप सुफल ले अर्घ चढ़ाऊ पद पे जाए अपराधम छपावड़म भवतु यहाँ यहाँ यहाँ
समस्त मुनि संत जी है, सभी बाबत में हस्त मुस्कुरा दे। जय श्री।